हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास फर्स्ट ईवीएस चैप्टर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर बॉडी। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, ओके, एंड आवर सेंस ऑर्गन्स एंड हाउ योर बॉडी ग्रोइंग अप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Human body is made up of many parts. Each part of our body has different name and function. Okay, जो human body है वो different parts से मिलकर बनी है और every part के अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे हैंड का क्या काम है, हाथ से हम लिखते हैं, पैर से चलते हैं। आईज का क्या काम है, आईज से हम किसी भी चीज को देखते हैं। ईयर से किसी भी चीज को सुनने में हेल्प करती है। नोज से किसी भी चीज को हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द बॉडी पार्ट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। लुक दिस फिगर। इन दिस फिगर गिवन All parts of human body. All parts here given one baby, and with the help of this baby, we clear how many body parts in. Okay, so this is known as hair, nose, lip, neck, shoulder, arm, and leg, foot. Okay, after that here. Head, eyes, ear, cheek, chest, hand, knee and heel. These are the body parts, and different body parts work is also different. सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि हाथ से हम लिखते हैं, पैर से चलते हैं, आईज से किसी भी चीज को देखते हैं, ओके, एंड हेड हियर। हमारे हेड से क्या करते हैं, हेड में एक ब्रेन होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज को जो याद करते हैं वहां पे हम उसको मेमोराइज करने का काम करते हैं, मतलब वो चीजें हमें याद रखती हैं। नोज से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को स्मेल करते हैं। ईयर से जब कोई किसी से बातें करता है, कुछ सुनना होता है, तो ईयर की हेल्प से हम उसे सुनते हैं, ओके। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द बॉडी पार्ट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। ईच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। विद द हेल्प ऑफ हैंड वी ईट एनीथिंग, वी राइट एंड वी ड्रिंक एनीथिंग। किसी भी चीज को हम खाने में या पीने में, राइट करने में हमें हैंड की जरूरत होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ लेग वॉक, स्कीप, किक, रन, ओके। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी पार्ट, ओके। एंड आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सेंस ऑर्गन्स, ओके। वी हैव हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, ओके। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 5 सेंस ऑर्गन्स, दिस आइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, किसी भी चीज को हम हियर सुनते हैं, सूंघने में हेल्प करते हैं, टेस्ट में और किसी भी चीज को टच करते हैं, ओके। ऑल द सेंस हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, ओके। एंड व्हाट आर द नेम, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दीज आर योर 5 सेंस ऑर्गन्स, आई, ear, nose, tongue and skin. We have how many eyes? 2 eyes. We can see with them. जिसकी help से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देखने में eyes हमारी help करती हैं. We have how many ears? 2 ears. With the help of ear, we
हियर एनीथिंग. ओके, किसी भी चीज को सुनने में ईयर हमारी हेल्प करते हैं. वी हैव वन नोज, हमारे पास कितने नोज हैं? वन नोज. एंड वी कैन स्मेल विद इट, जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज को स्मेल करते हैं. सूंघने का काम करता है नोज, जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी चीज की स्मेल कैसी है. ठीक है. एंड वी हैव वन टंग. एंड वॉट इज द वर्क ऑफ टंग? विद द हेल्प ऑफ टंग वी टेस्ट एनीथिंग, हमें किसी भी चीज के स्वाद का पता चलता है. ठीक है. एंड आवर बॉडी इज कवर्ड विद स्किन, और हमारी बॉडी जो है वो किससे कवर्ड है? स्किन से. वी कैन फील एंड टच विद इट, जिससे हम क्या करते हैं? फील करते हैं कि मतलब कब ठंडी, वो ठंडी, गर्मी, बारिश, इन सबको हम क्या करते हैं? फील करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन. आफ्टर दैट योर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज ग्रोइंग अप. ग्रोइंग अप मीन्स कि कैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, कैसे पहले बेबी, बेबी से चाइल्ड, चाइल्ड से मैन, ओके, एंड मैन से ओल्ड मैन में कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी. ठीक है. कैसे हम ग्रो करते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जो भी लिविंग थिंग्स है ना, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स, दे ऑल ग्रो. ओके, चिल्ड्रेन ग्रो अप विद द पासिस ऑफ टाइम. अ बेबी ग्रो अप टू बी चाइल्ड, जब बेबी ग्रो होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? चाइल्ड में. After that, when child grow up to become an adult man, okay. After that, the adult man grow up and become an old man. फिर किसमें कन्वर्ट होते हैं? ओल्ड मैन में. After that, old man, फिर बूढ़े आदमी में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद look here, a baby grow up child, okay. After that, a man and grow after that old man, and then this is the last stage. Okay. पहले बेटा एक child, baby, वो एक baby child में convert होता है, एक बच्चे में, फिर बच्चा एक क्या बनता है? एक वो आदमी में convert होता है, जिसे हम बोलते हैं after that old man, एक बूढ़ा आदमी बनता है. ठीक है. So this is the process of our life. So my topic is completed, students, and hope you all are understood. Okay. So bye, students.